इसमें हम देखने वाले हैं 19 मई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलते देखें पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में क्या कहा गया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे। तो कौन करेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे और 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे। पूछा जाएगा एग्जाम में कि 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किसने किया, तो आप बताएंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, ब्राजील शीर्ष चिकन निर्यातक जंगली पक्षियों में पहली बार एवियन फ्लू के मामलों की पुष्टि करता। पूछेगा हाल में ही बताएं एवियन फ्लू कहाँ पाया गया, तो आप आंसर बताएंगे ब्राज़ील में पाया गया। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद, लीबिया की संसद ने पीएम फती बागशा को निष्कासित किया। तो पूछेगा कि लीबिया की जो संसद है उसने पीएम फती फागदा को निष्कासित कर दिया गया, मतलब आउट कर दिया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट, लुडोविट ओडोर ने स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। पूछेगा कि बताएं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने, तो आप बताएंगे लुडोविट ओडोर। कौन बने, लुडोविट ओडोर बने। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, उत्तर प्रदेश अब जीआई टैग वाले उत्पादन के स्थान में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो जीआई टैग जो दिए जाते हैं ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो होते हैं भौगोलिक संकेतांक, तो उसमें उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आ गया, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश ये दूसरे स्थान पर आ गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किसने किया। तो पूछेगा ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम किस चीज़ का शुरुआत की गई है, तो पहल एक प्रोग्राम है जिसकी ये शुरुआत की गई है, पहल। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर विशेष रूप से किस घटना को बनाया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे थियोडोर मेनन द लेजर का सफल संचालन। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद, MIET वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने डैश के सहयोग में एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब बनाई है, तो ये किसने बनाई है, तो आप बताएंगे एकर समाधान के लिए, एकर सॉल्यूशन के लिए बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, लाओस जनवरी 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, लाओस की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो आप इसका सी ऑप्शन बताएंगे किप, कौन सा हो जाएगा, किप हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे लुडोविट गंध, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, लुडोविट गंध हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, ब्राज़ील ने हाल में ही जंगली पक्षियों की अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों की पुष्टि की, तो एवियन इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप निम्न में से किसके कारण होता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, एवियन इन्फ्लुएंजा को आगे विभिन्न हेमोग्लोटिन एच वे न्यूमरिनिडिस एन प्रोटीन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सामान्य उप प्रकारों में H1N1, H7N1, H9N2 शामिल हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा के निम्नलिखित में उप प्रकारों में से किसने संभावित वैश्विक महामारी के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसके उसमें कर दिया गया, तो H5N1, किसके उसमें कर दिया गया, H5N1। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन की जाने वाली 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत पेंशन भोगियों के पुराने मामले को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, हितकारी को एक लेकर प्रौद्योगिकी और लाभ उठाकर अदालत के उद्देश्य से समाधान प्रदान करना और समय पर पेंशन पंसरण सुनिश्चित कराना नवनिर्मित एकीकरण पेंशन भोगी पोर्टल डैश से संबंधित पोर्टल को एकीकृत करता है, तो ये किसके साथ में संचालित हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पेंशन संवितरण बैंक और अनुभव CPIDN के द्वारा ये नियुक्त किया संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, मॉर्गन स्टेनली हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण गति प्रदान करता है जिससे प्राप्त वैश्विक सफल घरेलू उत्पाद में वृद्धि एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित हुई। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP अनुमानित वृद्धि क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6.4, क्या हो जाएगा, 6.4%। नेक्स्ट चलते देखें, हाल में ही भारत सरकार की कौन सी पहल ई कॉमर्स पैट को गहरा करने और स्टार्टअप द्वारा नवाचार बढ़ावा केंद्रित करने पर विशेष रूप से छोटे व्यापारी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है, तो ये किसके लिए, ONDC के लिए, डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला एक नेटवर्क, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, देखें भारत में छोटे और समुद्र गांधीवादी सिद्धांतों को लेकर उत्पन्न जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमताओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की मानसिकता में बदलाव आया है। तो भारत में PIL योजना के तहत कितने क्षेत्रों को कवर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 क्षेत्रों को कवर करा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट का क्या नाम है जो विश्व आर्थिक स्थिति की संभावनाओं के अंतर्दृष्ट प्रदान करता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो इसका हो जाएगा वैश्विक आर्थिक स्थिति संभावना को। नेक्स्ट चलते हैं, देखें प्रत्येक वर्ष शनि जयंती किस दिन बनाई जाती है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 मई। कब बनाई जाती है? 19 मई को ये बनाई जाती है।